हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। अब वर्ड में सवाल ये है कि क्या हाइड किया जा सकता है किसी भी वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड की अगर बात करें तो क्या हम उसको हाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमएस वर्ड इज अ काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर मैं प्रोसेसिंग को हाइड करना चाहता हूँ तो हमें क्या करना है, ठीक है। प्रोसेसिंग को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली फॉन्ट पे चले जाइए। फॉन्ट कहाँ मिलेगा आपको, ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फॉन्ट वाला सेक्शन मिल जा रहा है और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाला पूरा डायलॉग बॉक्स ही ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हिडन दिया हुआ है, तो बस आप इसी हिडन पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही हिडन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए प्रोसेसिंग जो है हाइड हो गई, ठीक है। अभी आप इसको लेके आना चाहते हैं तो क्या कहानी है, लेके आना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये जो फॉन्ट वाला सेक्शन है यहीं पे क्लिक करना है। कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं, चलिए कंट्रोल डी प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखिए कंट्रोल प्रेस कीजिए और डी प्रेस कीजिए, तो जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है और फिर आप ये जो हिडन वाला सेक्शन है इस पर दोबारा से क्लिक कीजिए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी वापस नहीं आया हुआ है। वापस कैसे आएगा मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो देखेंगे ये हिडन है, अब फिर इसको अनहाइड कर दीजिए और ये देखेंगे कि ये प्रोसेसिंग वाला जो वर्ड था वो वापस आ गया यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना हो तो हाईलाइट कर सकते हैं। तो क्या ये पूरे के पूरे सेंटेंस पे भी लागू हो सकता है, तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए और कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद हिडन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हिडन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये पूरा हाइड हो चुका है, देख सकते हैं पोर्शन। और यहां से जा करके और आप यहां पे जाइए और यहां पे ये देख सकते हैं ये जो है अनहाइड जो टिक है उसको अनटिक कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिएगा तो ये वापस आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।